हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द म्यूजिक क्रिएशंस। तो हाँ, जैसा कि नाम से ही है दोस्तों, द म्यूजिक क्रिएशंस। तो इस चैनल पे मैं बताता हूँ आपको जो होम स्टूडियो में जो मैं घर पे जिन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। तो क्योंकि म्यूजिक मेरी हॉबी है, तो उस म्यूजिक हॉबी को हम किन किन इंस्ट्रूमेंट्स या गैजेट्स से हम ग्रो कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं, तो उसी की बातें इस चैनल पे करता हूँ। और मैं जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो भी हो पाता है मेरे से, वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्टार मेकर की रिगार्डिंग। तो स्टार मेकर एक ऐसा ऐप है जिसके मिलियंस फॉलोअर यानी मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, और उस पर बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उस पर अपनी अपनी सिंगिंग या जो अपनी सॉन्ग्स हैं उसको अपलोड करते हैं। वो वीडियोस भी होते हैं, ऑडियो में भी होते हैं। तो ज़्यादातर लोग मैंने उसमें जो देखे हैं, क्योंकि मैं खुद स्टार मेकर पे सिंगिंग नहीं करता, काफ़ी कम करता हूँ। ऐसे मैंने बना रखी आईडी, लेकिन काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टार मेकर पे सिंगिंग करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो वो लोग एक नॉर्मल ईयरफोन लगा करके और उस पर सिंगिंग करते हैं। तो मैंने काफ़ी बार सुना है कि जो उनका जो सॉन्ग्स वो अपलोड करते हैं, जो उनकी सिंगिंग करके, तो वो एक बेहतर क्वालिटी में शायद अपलोड नहीं हो पाता है। और वो जब हम सुनते हैं तो उसमें वो क्लियरिटी वॉइस की भी नहीं मिल पाती है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी इसके लिए। फिर मैंने कुछ ही दिनों पहले एक माओनो का कंडेंसर माइक्रोफोन ख़रीदा था, तो उसको भी मैंने ट्राई किया था। तो उसकी जो मैंने अनबॉक्सिंग और उसका सेटअप का वीडियो तो सेपरेटली डाल रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि माओनो AU-A03 मॉडल जो कंडेंसर माइक है, कि उससे अगर स्टार मेकर पे सिंगिंग करें तो क्या फ़र्क मिलेगा हमें, और क्या बेहतर जो हम चाहते हैं वो बेहतरी हमें मिलेगी यहाँ पर। तो दोस्तों, आज इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं, वही सेम बात जो सब लोग बताते हैं कि प्लीज़ अगर मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल है उसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें आप अपने जो भी म्यूजिक लवर्स हैं उनके पास में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माओनो का जो AU-A03 माइक्रोफोन है, कंडेंसर माइक्रोफोन है, उससे हम स्टार मेकर पे सिंगिंग कैसे कर सकते हैं और क्या वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है हमारी सिंगिंग के लिए स्टार मेकर पे। तो सेटअप मैंने रेडी कर रखा है ऑलरेडी, और ये मेरे पास में माओनो का जो कंडेंसर माइक्रोफोन है। और एक चीज़ तो है कि अगर आप इस टाइप से अगर वीडियो भी बनाते हैं सिंगिंग करने के लिए, तो एक अच्छा इफेक्ट आता है यार। मतलब एक वीडियो में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को, और एक मतलब स्टूडियो टाइप फील आता है। तो ये सेटअप मैंने कर रखा है फ्रेंड्स, और ये बजट काफ़ी बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है ये। तो आप परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो भी अगर आप ईयरफोन भी लेते हैं तो वो अप्रोक्स अगर अच्छी क्वालिटी में लेते हैं तो आई थॉट कि 2000 से ऊपर ही जाते हैं। वैसे तो खैर मैं नहीं बोलूँगा कि 2000 वाले ले, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है, सबके बजट में नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हाँ, इतना हो ही जाता है, 2000 या फिर 1500-2000। तो ये माइक्रोफोन भी अगर कई बार ऑफर में 2000 या फिर 2500 तक आ जाता है, तो एक बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है। तो इस पे सिंगिंग हम कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सेटअप तो रेडी है ऑलरेडी, और ये जो माइक्रोफोन है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके साथ में जो ये इसकी केबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक तरफ तो जो नॉर्मल ऑक्स टाइप का जो आपकी XLR केबल होती है वो इसमें जाती है माइक में नीचे, और दूसरा जो इसका एंड है वो ये होता है जो आपका 3.5 mm का जो जैक होता है। तो ये इस केबल की सबसे बड़ी खासियत है कि इस केबल से आप यानी कि आप मोबाइल में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली तो नहीं जाएगी, इसके लिए एक स्प्लिटर केबल आती है, वो
आप मार्केट से, और ये तो जब अगर आप ये सेटअप खरीदेंगे तो इसके साथ में तो आता है ये वाला जो वाई केबल या स्प्लिटर केबल, ये इसके साथ में ही आती है। तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी इस पर सिंबल बने होते हैं, एक सिंबल बना होता है इस पर आपके माइक्रोफोन का और एक तरफ होता है हेडफोन का। तो जो माइक्रोफोन का इसमें जो माइक्रोफोन वाला सिंबल बना हुआ है वो ये पिंक वाले जो जैक है और इसको इस पर अटैच कर देते हैं। ये जो दूसरा है इसमें अब हमको डालना है अपना हेडफोन ईयरफोन जो भी आपके पास रेगुलर है। तो मेरे पास में एक हेडफोन है, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है और अब हम लगाते हैं इसको। और अभी मैं लगने लग गया हूँ सिंगर स्टूडियो में सिंगिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा सेटअप देख रहे हैं आप, मैंने बता दिया है कि ये जो माइक्रोफोन है इसके साथ में केबल आती है, वो इसके बॉक्स में ही आती है। तो उस केबल में एक तरफ तो आपका जो ये जैक इसके अंदर चला गया है जो आपके माइक्रोफोन में, और दूसरा जो जैक की तरफ जो उसका एंड होता है वो 3.5 mm का होता है। तो उसको आप लगा करके और ये स्प्लिटर केबल मैंने बता दिया यूज करके, और ये जो इसका 3.5 mm का, ये आप डायरेक्ट मोबाइल में लगा सकते हो अगर आपका मोबाइल 3.5 mm जैक को सपोर्ट करता है। तो अगर वो टाइप सी जैक, ज़्यादातर आजकल कई जो बड़े फ़ोन हैं उनमें इस तरह का जैक सपोर्ट नहीं करता है 3.5 mm, वो टाइप सी ही जो जैक सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर आप एक छोटा सा 100 या 200 रुपए खर्च करके और एक टाइप सी का जो अडेप्टर आता है या फिर जैक बोल सकते हो आप जो भी है, ये आप इसके अंदर लगा करके आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो मेरे पास में अभी पुराना फ़ोन है वीवो का, तो उसमें ये जैक सपोर्ट करता है 3.5 mm। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया है, और अब आप चाहें तो आप अपना स्टार मेकर ऐप खोल सकते हैं। स्टार मेकर ऐप तो खोलेंगे यहाँ से हम, तो मैंने स्टार मेकर पे अपना सॉन्ग सर्च कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम चाहें तो यहाँ से मैं सिंगिंग शुरू कर सकता हूँ, जो भी अब मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया है। अब बात होती है फोन फ्रेंड्स की, मैं इस सॉन्ग को इस पे तो मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वही फिर बात है कि कॉपीराइट के इश्यू आते हैं। वो तो मैं आपको, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो कि मैंने जो सॉन्ग इस पे गाए हैं कुछ मैंने पहले भी गा रखे हैं, तो ये ना सोचें कि मैंने आज ही अपलोड किए हैं। कुछ मैं अभी आज ट्राई कर रहा हूँ, मैंने एक दो सॉन्ग्स हैं वो जो पहले से डाल रखे हैं उस पे मेरे स्टार मेकर आईडी पे, तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उनको चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी में वो अपलोड हुए हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो नॉर्मल हेडफोन है उनसे और नॉर्मल ईयरफोन लगा करके जो सिंगिंग करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस तो मिला मेरे को, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था कि, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये जो माइक्रोफोन है इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, इसमें ना कोई इसको एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर लगेगा यानी कि कोई बैटरी लगेगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शायद इसमें बैटरी लगेगी, नहीं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ये माइक्रोफोन है, ये इसका जो स्टैंड ये सब कुछ आया हुआ था, और ये हम इसको एक जगह पे अपनी टेबल पे या कहीं भी इसको होल्ड करके इसको मतलब सेट कर सकते हैं, और उसके बाद में सीधा आप अपने, जैसे मैंने बताया उसके थ्रू आप अपने माइक में सॉरी आप अपने फ़ोन में उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे फिर आप स्टार मेकर पर सिंगिंग कर सकते हो, आप अपने वीडियोस बना सकते हो। तो आज तो मैं जिस मकसद से बात कर रहा था ये स्टार मेकर के लिए ही था, स्टार मेकर पर कैसे सिंगिंग करते हैं, तो यही था फ्रेंड्स। इस पर आप बढ़िया तरीके से सिंगिंग कर सकते हैं, अच्छा भी लगेगा, एक स्टूडियो टाइप फील भी आता है। एक बार फिर से वही बात कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें जो भी म्यूजिक लवर्स हैं स्पेशली ये उनके लिए, और शेयर कर दें अगर हो सकता है तो। थैंक्स, बाय।